वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हरदी नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनके कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं। जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है मनजीत कौर, जो कि यमुनानगर से WCDO के पद पर काबिज है। सुनिए। विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष हमारी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चल रही है। ये पहले तो योजना 1/1/17 को चालू हुई थी, लेकिन अब इसकी कुछ शर्तों में थोड़ा सा और नवीनीकरण किया गया है, जो कि 1/4/22 से किया गया है। इसमें हमने पूरा जिले का डाटा ले लिया। ये 2 बच्चों तक दी जानी है जी। तो जब पहला बच्चा होगा तो उसको 5,000 रुपये की राशि लाभार्थी के खाते में 2 किस्तों में दी जाएगी। और ये कंडीशनल बेनिफिट स्कीम है, यानी कि यदि एक महिला अपना पूरा टीकाकरण पूर्ण करती है उसके कार्ड को, ताकि वो महिला अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे, इधर पोषण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उस महिला के खाते में ये पैसा डाला जाता है। इसके अलावा यदि दूसरा बच्चा महिला का यदि लड़का भी होता है या लड़की होती है, तो भी एक मुश्त हम उसको 6,000 रुपये की राशि डालेंगे। तो इस पोर्टल का अभी हमारा शुरुआत हुआ नहीं है, होने वाला है, लेकिन हमने अपना डाटा पूरा हार्ड कॉपीज तैयार कर लिए। तो इस बारे में हमें जैसी ही डायरेक्शन आती है लाभार्थियों के खाते में पैसा डाला जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रत्येक बच्चे के स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन को लेके, सुरक्षा को लेके महिला एवं बाल विकास विभाग हमेशा तत्पर है। यहाँ मैं बात करूँगी 1,30,40 बच्चे जो मेरे 0-6 ईयर के बच्चे हैं, इन ये सर्वे के अकॉर्डिंग मैंने बच्चे बताए हैं, जो कि विभिन्न 1,281 आंगनवाड़ी केंद्रों में अपनी उपस्थिति देते हैं और इन्हें पौष्टिक हॉट कुक्ड मील्स दी जाती हैं, जैसे कि मिक्स मुरमुरा है, और इसमें निर्धारित रेसिपीज़ हैं जो कि बच्चे वहीं पर बैठ के खाएं। इसके अलावा सरकार द्वारा जो फोर्टिफाइड मिल्क दिया गया है, वो विशेष तौर पर बहुत ही पौष्टिक है, और इसमें जो दूध की मात्रा है 20 ग्राम दूध हम प्रत्येक बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र में ही पिलाते हैं बिठाकर वहीं पर, ताकि बच्चा अपना पूर्ण आहार प्राप्त कर सके। तो इस तरह से मैं कहना चाहूँगी कि यदि बात बच्चे के या महिला की सुरक्षा की हो या उसके स्वास्थ्य की हो या बच्चे को हमने इसमें सुरक्षा प्रदान करनी है या उसको किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग विभिन्न स्कीमों के द्वारा पूरे लाभार्थियों को जिले में कवर करता है।